देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आह्वान पर आज पूरे हिंदुस्तान के वकील 10 बजे बाद हड़ताल पर है। एडवोकेट एक्ट 1961 में जो भारतीय विधि आयोग द्वारा संशोधन किया जा रहा है वो एक तुगलकी फरमान है, एक काला कानून है, वकीलों के अधिकारों पर हनन है। इस कानून को हम किसी हालत में पास नहीं होने देंगे। अभी हमने यहाँ कानून के बिल की होली जलाई है। अभी कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे। किसी भी बार काउंसिल या हमारे बार संघ को विश्वास में नहीं लिया गया। 2 तारीख को हमारी दिल्ली के अंदर मीटिंग रखी गई जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ता इकट्ठे होंगे। हमारे अजमेर के हम अधिवक्ता कर्मी वहाँ जाएंगे और 2 तारीख को जो निर्णय उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। मैं अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़, जिला बार अजमेर। देखिए, आज हमने 10 बजे बाद कार्य पूरी तरह स्थगित रखा है और जो बिल पास किया उसकी हमने होली जलाई है और उसके खिलाफ में भी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। और 2 मई को हमारे सभी पदाधिकारी हम दिल्ली हाजिर होंगे और जो भी हमारे अधिवक्ता निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो ये कानून बनाया जा रहा है उसमें सबसे पहले तो कि जो भी दूसरा पक्ष हारेगा उसको कंज्यूमर कोर्ट में दावा करने का अधिकार दिया गया है। उसमें दोनों पक्ष जितने एक पक्ष हारेगा ही और अगर वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर वो वकील से हरजाना लेने का अधिकारी होगा, जो कतई मतलब ऐसा नहीं है। दूसरा जो कानून बनाया, वकीलों के हड़ताल पर पाबंदी लगाई जा रही है कि अगर कोई भी वकील हड़ताल करेगा तो उसमें 5000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा और अगर कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में जोर से बोलेगा तो उनसे न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया कि वो उनकी शिकायत जब्त करा सकते हैं। मतलब इस तरह के कानून बनाए जो तुगलकी फरमान से कम नहीं है। और अभी तक जो हमारे वकीलों की शिकायत थी वो हमारे बार काउंसिल सुनी जा रही थी। इस कानून के तहत एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक सामाजिक कार्यकर्ता को हमारी शिकायत सुनने का अधिकार दिया जा रहा है, जो कतई मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि वो कानून के ज्ञाता नहीं होते हैं और वकील के वो क्या शिकायत सुनेंगे। इसी के विरोध में आज हमने पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल रखी है और आगे भी जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले जाएगा हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं मोहन सिंह राठौड़, अध्यक्ष जिला बार। हमसे टकराएगा भाई साहब। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हेलो हो जाएगा। कमीशन जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा वकील एकता। ये एक अधिवक्ता को खत्म करने की एक साजिश है और इस साजिश के तहत ही ये इस तरह का एक वो बनाया गया है जिसमें अधिवक्ताओं के जो अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो सारे खत्म हो जाएंगे इसके माध्यम से। आज जिन अधिकारियों को एक 4th क्लास को जो निलंबित नहीं कर सकते वो अधिवक्ता की सनद सस्पेंड करने का उनको अधिकार मिल जाएगा इस कानून के। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा। अगर ये कानून लागू होता है तो हमारा इसमें यह है कि 1 तारीख तक तो हम इसका इंतजार करेंगे कि ये इसको वापस ले ले। अगर नहीं लेंगे तो 2 तारीख से हमारा जेल भरो आंदोलन और अगर हमें न्यायालयों के ताले लगाने पड़े, अगर हम ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, ये हम किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह का काला कानून वकीलों के खिलाफ में पारित हो और इस षड्यंत्र को हम कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। सचिव नरेंद्र सिंह राठौड़, जिला बार अजमेर।